Raiders! कोई शिकायत? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। कस्टमर खुश हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एनी बैड न्यूज? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। राइट टर्न। होटल की सफाई का क्या हाल है? ब्यूटीफुल। होटल में कोई कचरा है? बिल्कुल नहीं। फर्श का क्या हाल है? चकाचक। क्या खाक चकाचक? फर्श ऐसा होना चाहिए क्योंकि उस पर पांव रखे और फिसल कर वहां तक चला जाए, यहाँ तो कोई फिसलता ही नहीं है। ये देखो, अरे वाह, फर्श अच्छा है, फिसलन भी काफी है। आदमी पैर रखे तो तीर की तरह फिसल कर वहां जा सकता है, वहां से फिसल के यहाँ आ सकता है। सर, आपका फोन। फिसल के वापस चले जाओ। हेलो, व्हाट? अपने होटल में बम? बम? हमारे होटल में बम? अरे, किसी को भूलो नहीं। अरे, होटल बदनाम हो जाएगा। अरे नहीं, अरे किसी का बोलना नहीं, होटल में बम रखा है। अपने होटल में बम रखा, किसी का बोलना नहीं, वो सिगरेट है। सर, हम तो लूट गए सर। सर, हम तो बर्बाद हो गए सर। सर, हमारी तो नौकरी गई सर। सर, क्या हुआ? नहीं कह रहे। मैनेजर, ये क्या हो रहा है? ये चिल्ला रहे हैं सर, आपने बोला था ना होटल। मैनेजर, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। इधर आओ, ये बताओ कि तुमने होटल खाली कैसे करवाया? क्या हुआ, जब भी आपने मुझसे कहा ना तो मैंने अपने दो वेटर्स को भेजा जाके मुझे बाहर से फोन करो कि होटल में बम रखा हुआ है। फिर मैंने फोन में पूछा, अच्छा होटल में बम रखा हुआ? मेरे बाजू में एक आदमी खड़ा था, उसने सुन लिया, उसने जाके दूसरे को बोला, उसने जाके तीसरे को बोला, चार पांच दस पंद्रह, पूरे होटल में पांच मिनट में खबर फैल गई कि होटल में बम रखा और सब भाग गए। वेरी गुड। मैनेजर, मेरी भांजी अमेरिका से आ रही है। प्लेन से आ रही है? स्टूपिड। हां, उधर से ट्रेन तो आती नहीं। तो प्लेन से आ रही है तो क्या हुआ सर? चार पांच रूम बुक करा दो, पूरा फ्लोर खाली करा दो, पूरा होटल खाली कराने की जरूरत है? अरे वो बड़ी जिद्दी है। चलो मान लिया कि जिद्दी है, तो सर आपकी इतने बड़े बड़े पुणे में स्टड फार्म है वहां ठहराई है, यहाँ इतने बड़े बड़े पैलेस जैसे बंगले वहाँ ठहरे, होटल में काहे के लिए आ रही है? मैनेजर साहब, मेरी भांजी इस होटल की मालकिन है और हम उसके मामा हैं, ट्रस्टी हैं, गार्डियन हैं, और हर मामा का फर्ज है कि अपनी भांजी का ख्याल करें। अंडरस्टैंड? यस, मैं नोट कर लेता हूँ। सर वो कब आ रही है? परसों आ रही है। अच्छा। हमारा एक अजीज दोस्त आ रहा है, विक्रम सिंह, उसका भतीजा भी लंदन से आ रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम विजय। प्लेन से आ रहा है? वहां से प्लेन ही आता है, ट्रेन थोड़ी आती है। आपकी भांजी का नाम क्या है? किरण। किरण, दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। ओह, चाइल्डहुड लव। ओह सॉरी, हम चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए। अच्छा, तो मैं काम करो, किसी अच्छे से चौरी के पास जाओ और एक खूबसूरत सी अंगूठी बनवा लाओ, 25 लाख की। सर 25 लाख में तो पूरी बिल्डिंग मिलती। सर 25 लाख में बिल्डिंग मिली ले लेंगे? तुम क्या समझते हो मैं अपने दामाद की उंगली में बिल्डिंग बनाऊंगा? नहीं, बहुत बड़ी पड़ेगी, नहीं आएगी। नहीं सर, किस कदर ने तुमको मैनेजर बनाया? आपने बनाया सर। तुमको पता है मुझे आज अमेरिका जाना था? मुझे नहीं पता। अरे मैंने तुमको बोला था कि मेरी एक टिकट बुक करवाना? मुझे नहीं कहा था आपने? अरे तुमने अपनी डायरी में नोट किया था? मैंने नहीं किया था सर। तुमने किया था? सर अगर मैंने किया था तो इस वक्त टिकट मेरी जेब में रखा था, मैं हाथ डालता हूँ ऐसे टिकट बाहर निकल आती है। देखिए ये क्या, ये तो टिकट है यार। ये किसकी टिकट है? लक्ष्मण सिंह। ए लक्ष्मण सिंह, स्टूपिड लक्ष्मण सिंह, मैं हूँ। देखा सर, आपने टिकट लाने का, मैं फॉरन टिकट लेके आ गया। इसका मैं क्या करूं? सर परमिशन दे ना सर। शट अप। टिकट सर, आपका फोन। उल्लू का पट्टा, स्टूपिड इडियट। लक्ष्मण, लक्ष्मण ये क्या बकरा है तू? अरे विक्रम, अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सही बात भी बोला सर। स्टूपिड, अरे तुमको नहीं यार, मैं अपने मैनेजर से कह रहा हूँ। थोड़ी तारीफ करें सर, थोड़ी प्रमोशन सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बे? सर होटल में एक लड़का आया है, वो नौकरी मांग रहा है। अरे मैं पुरानों को निकालू, तू नए लेकर आ रहा है नौकरी के लिए, कहाँ से तू? सर उसकी माँ बहुत बीमार है। माँ बीमार है? हाँ। अरे रे, तो मैं काम करता हूं, मैं मेरी मां से पूछ के आता हूं। मां, एक लड़का आया है, उस बेचारे की मां बीमार है, उसको नौकरी पे रख लो। आधी दुनिया बेरोजगार है तो क्या तू सबको काम पर रख लेगा? तो क्या करूं, भगा दूं उसको? मैंने कहा क्या भगाने को? अरे अकल के दुश्मन, इंटरव्यू ले उसका। इंटरव्यू? हाँ, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, गुड आइडिया। मैनेजर साहब ने तुम्हें बुलाया है।
सर, मैं कमिन। मैं कमिन? ये कोई कमरा है जो कमिन? यहाँ मैदान में बैठे हम लोग, यहाँ कमिन नहीं बोलने का, बैठो। नाम? अमर सर। कौन सा मर? मर नहीं सर, अमर। हाँ मतलब मत मर, हमको भी ऐसी याद नहीं चाहिए जो नहीं मरे। क्या काम करते हो सर? अगर काम होता तो नौकरी मांगने थोड़ी आता। मेरा मतलब है क्या नौकरी मांगने आया हो? सर वेटर की। किसकी? वेटर की। वेटर की नौकरी मांगने हो? मेरे पास आके बैठ गया, मैं समझा को मैनेजर की नौकरी मांगने आया। कहाँ तक पढ़े हो? सब डिग्री सब सर्टिफिकेट मेरे सामने पेश करो, मैं देखना चाहता हूँ। सर अगर मेरे पास डिग्री और सर्टिफिकेट होते हैं तो मैं वेटर की नौकरी थोड़ी मांगता। तो क्या अंगूठा छाप है क्या? जी नहीं सर, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूँ। वेटर को अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, उसके ज्यादा एक और चीज आना बहुत जरूरी है, उसका एग्जाम मैं हमेशा लेता हूँ और अगर आदमी फेल हो जाए तो निकाल देता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? जी नहीं सर। तुम्हारा बाप? नहीं सर। झूठ बोलते हो? जी सर। मेरी नजरें बाप तक को पहचान जाती है। वेल कॉट, अच्छा पकड़ा। वेटर का क्रिकेटर होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई ग्राहक बिना पैसे दिए खसक रहा हो तो उसको बाउंड्री लाइन पे पकड़ा जा सकता है। हम खुश हुए। पगार क्या लोगे? बस साहब, सर छुपाने की जगह, इन टाइम की रोटी और मेरी माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे सर। अरे यार कुछ जरूरी है घड़ी घड़ी माँ का ही नाम लो? माँ का नाम लो तो मुझे मेरी माँ याद आती है, मैं मेरी माँ से बात करके आता हूँ। मैं इसको रख लूँ? मारते काकू? सर आपने मुझसे कुछ कहा? तुमने कुछ सुना? जी सर, आपने कहा कि तुम मुझको इतना मारती क्यों? इसको मेरी माँ की आवाज सुनाई देती है, इसको रख लेना चाहिए। चलो, तुमको नौकरी पे रख लिया। अरे सर, सर थैंक यू सो मच सर, मुझे पता नहीं था क्या। सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपकी आस्तीन ढीली थी, मैंने तो सिर्फ इतना। तेरी तो ये मेरा कोट सिला खेला, नहीं तो नौकरी पे रखने से पहले नौकरी से निकाल दूंगा लुका पटा। क्या? हाँ सर। बता यार, पहले दिन कोट उतार दिया इसने, एंड है कि नहीं? हाँ है। मेरे कमरे में क्या राज हो सकता है? तुम भी तो घोड़े के बहाने किरण के साथ इस होटल में आए थे। हाँ तो तुम्हारे आने के बाद इस होटल में फ्रॉड पे फ्रॉड, बेईमानी पे बेईमानी, धोखे पे धोखा क्यों हो रहा है? इसलिए सबसे पहले तुम्हारा सामान चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों? मेरे सामान में तुम्हारा राज है क्या? राज सामान में हो सकता है, आसमान में हो सकता है, किसी के गुमान में हो सकता है, किसी के ध्यान में हो सकता है, किसी के कब्रिस्तान में हो सकता है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज है। खोलो इसको, आई वांट टू सी इट। खोल लो। ओके, मामूली बात, ये खुलता नहीं है। ओह, आई न्यू इट, मैनेजर हूं 20 साल से। इसकी चाबी किधर है यार? ऐसे खोलते हैं। ओह, चलता है, कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ओहो, जंग का पूरा सामान जमा करके रखा हुआ है। तुम गए काम से बेटा? ये क्या चीज है? क्रीम। शेविंग क्रीम। ये मैं ले लूं? क्यों, मेरे पास नहीं। तुम्हारा राज इसमें है क्या? नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान ले रहा था कि तुम मुझे रिश्वत तो नहीं दे रहे हो। बम? ये बम? बम ला होटल खोलने के लिए? अरे घड़ी है, घड़ी साबित करो कि ये घड़ी है, मैं नहीं मानता इसको। ये टाइम बताती है। अरे हाँ यार, रोलेक्स घड़ी, ये यहाँ मिलती भी नहीं, मैं ले लूँ इसको? नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बचपन की तमन्ना थी कैसी मेरे पास। ये मेरी है, चाहिए भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। पासपोर्ट? अब बेटा तुम गए काम से, अब पता चलेगा तुम कौन से देश से आए हो और यहाँ से भागकर कहाँ जाने वाले हो। यू सी दिस इज, ये तो खाली है, पासपोर्ट किधर है? बनाने दिया है। तो फिर ये खाली कवर क्यों रखा? बन जाएगा तो डाल दूंगा। ये मेरे किसी काम का नहीं है। आई सी। रख लो रख लो। नहीं, हैंड ग्रेनेड से मुझे अपने आप को मारना नहीं है, इट्स डेफिनेटली सब। कुछ निकला? आईने में देख लो। जरूरत नहीं है, तुम्हारी छानबीन मैंने कर ली, आई एम सेटिस्फाइड। अभी तो मैं जा रहा हूं, 5 मिनट बाद वापस आऊंगा।